हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं मारुति ग्रैंड विटारा जो आज लॉन्च हो चुकी है, तो इसके हम सबसे बेस मॉडल की बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बताएंगे इसका प्राइस वगैरह क्या चल रहा है, कितनी जो है मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो, और उसके बाद जो भी लोन अमाउंट बनेगा उसकी क्या मंथली एमआई बनेगी। फिर हम आपको बताएंगे आपको जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के जो है ऑफर वगैरह आप जो है कहाँ से चेक कर सकते हो, और बताएंगे कि आप SBI से जो है कार लोन कैसे ले सकते हो, वहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है और क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। तो इन सब के बारे में जो हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जो है आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा क्या, हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड, आपको यहाँ पे हर बैंक के ऑफर वगैरह के लिंक आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं देखिएगा SBI के कार लोन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है, एलिजिबिलिटी जो है चेक करनी है, अपनी EMI कैलकुलेट करनी है, कुछ SBI कार लोन रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह हैं आपके, कुछ आपको एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने हैं, ऑफर वगैरह के लिंक भी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इस वेबसाइट पर। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं मारुति ग्रैंड विटारिया के, देखिए सबसे बेस मॉडल है इसका प्राइस देख लेते हैं। तो ये पे इसका जो बेस मॉडल है उसका नाम है सिग्मा पेट्रोल। एक्स शोरूम प्राइस इसका जो है वो रखा गया है 10,45,000 रुपए। RTO के चार्जेस हैं 1,04,500 रुपए। इंश्योरेंस चार्जेस है 51,213। अदर चार्जेस होंगे 10,450। ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 12,11,163 रुपए। तो ये इसके सबसे बेस मॉडल का प्राइस रहा। अब देखते हैं इसमें जो है कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करके आप इसको ले सकते हो। तो चलते हैं डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम 1,21,000 की आपको डाउन पेमेंट करनी होगी, मिनिमम 10% डाउन पेमेंट करनी होती है ऑन रोड प्राइस का। तो मिनिमम 1,21,000 की डाउन पेमेंट आप कर सकते हो। उसके बाद जो लोन अमाउंट बनेगा वो बनेगा 10,90,163 रुपए। इस लोन अमाउंट की चलिए अब मंथली EMI कैलकुलेट करके बताते हैं आपको क्या बनेगा। तो इसके लिए चलते हैं अपने बेस्ट EMI कैलकुलेटर पे और यहाँ पे चलते हैं कार लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। तो अमाउंट लेना है 10,90,163। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है SBI में, तो हम देख लेते हैं SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये देखिए आपका सिविल स्कोर के हिसाब से किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा देख सकते हो। अगर आपका सिविल स्कोर 775 या उसके ऊपर है तो आप 3 से 5 साल के लिए अगर कार लोन लेते हो तो 7.85 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। और अगर आप 5 साल से ऊपर के लिए लेते हो, मैक्सिमम आप 7 ईयर्स के लिए जो है यहाँ से SBI से कार लोन ले सकते हो, तो यहाँ पे 7.95% पर मिलेगा। फिर देखिए आपका सिविल स्कोर अगर 757 से 774 के बीच में है तो 3 से 5 साल के लिए लेते हो तो 7.95, और 5 साल के लिए ऊपर के लेते हो तो 8.05। तो हम जिस कैटेगरी में आएंगे तो हमें लेना है 5 साल के ऊपर का जो लोन। तो हम मान लीजिए आपका सिविल स्कोर हो गया 775 के आसपास का ही है तो 7.95 अभी हमने लोएस्ट इंटरेस्ट रेट मान लिया, तो यही इंटरेस्ट रेट हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमने डाल दिया 7.95% रबर इंटरेस्ट रेट डाल दिया। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो, तो 7 साल के लिए ले लेंगे। तो अब देखिएगा मंथली EMI आपका क्या बनेगा। मंथली EMI आपका बनेगा 16,964। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3,34,844। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 14,25,007 रुपए। तो यहाँ पे आज ऐसे इस तरीके से आप डिटेल से जो है मंथली EMI कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम दूसरे केस में लेते हैं कि अगर आप जो है अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ाते हो, अभी 1,21,000 की कर रहे थे, अब मान लीजिए आप अगर 2.5 लाख की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। तो 2.5 लाख की डाउन पेमेंट पर आपको लोन लेना पड़ेगा लगभग 9,61,163 रुपए। इस लोन अमाउंट की भी चलिए मंथली EMI आपको कैलकुलेट करके बताते हैं और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा। तो 9,61,163 की 7.95 के इंटरेस्ट रेट पर 7 सालों के लिए मंथली EMI जो बनेगी वो बनेगी आपकी 14,957 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,95,222। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 12,56,385 रुपए। अब हम एक तीसरा और आखिरी केस में रहते हैं, अगर आप अपनी डाउन पेमेंट को मैक्सिमम करते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउन पेमेंट करने का जो फायदा होगा हो जाएगी। और अगर आप डाउन पेमेंट ज़्यादा करोगे आपको लोन कम लेना पड़ेगा, तो आपको मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट वगैरह कम बनेगा। तो अब आप मान लीजिए आपने जो डाउन पेमेंट है वो आप बढ़ा के जो है 4 लाख रुपए करते हो, तो 4 लाख की डाउन पेमेंट पर आपको कितना लोन लेना पड़ेगा। तो लगभग 4,01,000 की डाउन पेमेंट करते हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा 8,10,163 रुपए। इस लोन की भी अब चलिए मंथली EMI हम कैलकुलेट करके बता देते हैं आपको। तो 7.95 के इंटरेस्ट रेट पर 7 सालों के लिए अब देखिए मंथली EMI आपका जो बनेगा वो बनेगा 12,607 रुपए। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2,48,842। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 10,59,005 रुपए।
तो इस तरीके से आप डिटेल्स जो है इस वेबसाइट से मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप कार लोन के अलावा पर्सनल लोन और होम लोन इनका भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको लोन का अमाउंट डालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस बैंक से मिल रहा है आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिएगा। टेन्योर मैक्सिमम आप 7 ईयर्स के ले सकते हो, लेकिन जितना आप टेन्योर कम के लिए लोगे उतना ही आपका जो है इंटरेस्ट वगैरह आपको कम देना पड़ेगा। नीचे आएगा तो यहाँ से डिटेल में आपने जितने भी ईयर्स के लिए लोन लिया उन सब ईयर्स का यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इस जो है चार्ट में आप देख सकते हो। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ से जो है डिटेल में अपना मंथली वाइज भी आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो और कितना बैलेंस अमाउंट बचेगा और कितना अमाउंट जो है अब तक चुका चुके हैं। तो ये आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं देखते हैं SBI में क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे अगर आप SBI से कार लोन ले जाते हो। यहाँ पर इनके फीचर्स वगैरह देख लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है एंड EMI। यहाँ पर रीपेमेंट आप 7-7 साल तक के लिए लोन ले सकते हो। यहाँ पे आपको ऑन रोड प्राइस का जो है यहाँ पे आपको फाइनेंस करा जाएगा ऑन रोड प्राइस पर। ऑन रोड प्राइस में जैसे रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस जो है इंक्लूड होंगे। इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होगा जो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। और यहाँ पे आप कौन कौन सी कार वगैरह खरीद सकते हो, तो न्यू पैसेंजर कार, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स खरीद सकते हो और SUVs। तो ये सब के लिए जो है SBI आपसे कार लोन प्रोवाइड करेगी आपको। यहाँ पे आपको अपनी कार का 90% जो है यहाँ पे आपको SBI जो है अपना आपको कार लोन प्रोवाइड कर सकती है। कोई नो एडवांस, कोई भी एडवांस EMI देने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस कवर भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। प्रोसेसिंग फीस इस समय SBI जो है अपनी प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहा है अभी उसकी जो है SBI। अगर आप कार लोन अप्लाई करते हो तो आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। एलिजिबिलिटी में देख लेते हैं, टोटल 3 कैटेगरीज में जो है बांटा गया है। मिनिमम एज जो अप्लाई करने की है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है 67 ईयर्स है। टोटल जो है 3 कैटेगरी में जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है तो अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब करते हो या डिफेंस पर्सन हो या सैलरीड हो जिनकी सैलरी जो है SBI वगैरह में आती है, तो उनको जो है उनकी जो मिनिमम ईयरली सैलरी रिक्वायर्ड होती है वो 3 लाख रुपए रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है आपकी मिनिमम जो मंथली सैलरी होगी, मंथली सैलरी मान लीजिए आपकी 20,000 रुपए है, तो उसका 48 टाइम्स जो है यहाँ पे आपको मैक्सिमम लोन आप कार लोन जो है मैक्सिमम ले सकते हो। फिर दूसरी कैटेगरी आती है प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन वगैरह, जो बिजनेसमैन वगैरह हैं तो उनकी जो है नेट ईयरली जो ग्रॉस इनकम है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए और इनको मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है इनकी नेट जो है प्रॉफिट ग्रॉस इनकम है जो उसका 4 गुना, मतलब 3 लाख अगर आपकी इनकम है तो 4 टाइम्स मतलब 12 लाख तक का यहाँ पे मैक्सिमम लोन आपको मिल सकता है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं एग्रीकल्चर से जुड़े लोग, जैसे फार्मर वगैरह, तो इनकी भी जो ईयरली इनकम है वो 4 लाख रुपए होनी चाहिए और इनको भी जो है मैक्सिमम जो है 12 लाख तक का लोन मिल सकता है अगर इनकी इनकम 4 लाख रुपए है। तो इस तरीके से ये एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है। अब डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं क्या रिक्वायर होते हैं। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, सबसे पहले आपको देना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर के देना पड़ेगा। इसमें आपको बैंक अकाउंट का लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट वगैरह आपको रिक्वायर्ड होगा अगर आप जो है सैलरीड इंडिविजुअल हो तो। अगर आपकी सैलरी जिस अकाउंट में आती है तो उसका जो है स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के लिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप और फॉर्म 16, ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म 16 फॉर लास्ट ईयर, इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे आप जो है यहाँ पे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिखा सकते हो। और एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या कोई बिल वगैरह अपना दिखा सकते हो आप। उसके बाद आते हैं नॉन सैलरीड और प्रोफेशनल और बिजनेसमैन वगैरह, तो इनको भी जो है लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, इनकम टैक्स रिटर्न जो है लास्ट 2 ईयर का, ऑडिटर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, SSI रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म अगर आपकी है तो यहाँ पे कॉपी ऑफ पार्टनरशिप आपको दिखानी पड़ेगी। और अगर आप जो है एग्रीकल्चर से एरिया से हैं तो आपको जो है यहाँ पे 6 मंथ का जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, आप कौन सी फसल उगाते हो अपनी जमीन पे तो उसका यहाँ पे डिटेल में जो बताना पड़ेगा। फिर आपको जो अपने जमीन के जो है कागज वगैरह यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे जो है अगर आपकी जो जमीन पर डेयरी पोल्ट्री वगैरह खुली हुई है तो उसके भी जो है डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए जो आपको रिक्वायर होते हैं। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके बताएगा कि आगे आप किस गाड़ी के बारे में जो है हमसे प्राइस, डाउन पेमेंट और मंथली EMI कैलकुलेट कराना चाहते हो तो हमारे किसी भी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।